तो बच्चों आपके सामने बोर्ड पे ये फोर प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं। ये फोर प्रॉब्लम इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इवेंट से ही रिलेटेड हैं। तो आप सबसे पहले स्क्रीन स्टॉप करके इन फोर प्रॉब्लम्स को नोट करिए और इनको खुद ट्राई करिए। उसके बाद ही आप इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन चेक करना कि इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हमारे पास आखिर क्या हैं। सही बात। चलिए मैं सॉल्यूशन से ट्राई करता मैं सॉल्यूशन देता हूँ आपको कि क्या सॉल्यूशन है और क्या इनके आंसर हैं। अब क्या सॉल्यूशन है, क्या इनके आंसर हैं? जैसे पहला क्वेश्चन है, अ फेयर डाइस इज टॉस्ड अंटिल फाइव अपियर्स। मतलब एक पासे को हम उछालते रहते हैं, उछाला दोबारा उछाला तिबारा उछाला, और कब तक उछालते हैं? जब तक पांच ना आ जाए। ठीक। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इवन नंबर ऑफ टॉसेस इज रिक्वायर्ड। मतलब इवन नंबर ऑफ टॉसेस इज रिक्वायर्ड मतलब फाइव जो आए या तो दूसरी बार आ जाए या फोर्थ टाइम आए या सिक्स टाइम आए या एट्थ टाइम आए एंड सोन। मतलब जो डाइस है उस पे फाइव या तो सेकंड टॉस में आए या फोर्थ टॉस में आए या सिक्स टॉस में आए या एंड सोन। इसका मतलब अब इसमें हम अगर केसेस सोचें कि भी सेकंड टॉस में आ जाए मतलब फर्स्ट टॉस में ना आए, तो पहली बार फाइव नहीं आए और सेकंड टॉस में फाइव आ जाए। जैसे मैं फाइव आने को मान लो, मान लेता हूँ एक इवेंट ए कि फाइव का आना इवेंट ए है, तो इवेंट ए के होने की, फाइव के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। ठीक। अब हर बार फाइव का आना या नहीं आना अगली बार फाइव के आने या नहीं आने से कैसा है? इंडिपेंडेंट। भाई जैसे मैंने पहली बार कहा कि फाइव नहीं आया, अब दूसरी बार फाइव आएगा या नहीं आएगा उसके आने या नहीं आने पे पहली बार के फाइव के आने या नहीं आने का कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो ये इवेंट हमारे पास कैसे हैं? इंडिपेंडेंट। इसलिए प्रोबेबिलिटी को बिंदास होकर मल्टीप्लाई करो, आप मल्टीप्लाई करने में कोई संकोच मत करो। अब यहां पे पहली बार फाइव ना आए दूसरी बार आ जाए, सही, ये हो सकता है। या फिर पहली बार फाइव ना आए दूसरी बार भी ना आए तीसरी बार भी ना आए फिर फोर्थ टाइम जब नंबर आए तो फाइव आ जाए, यस। या फिर पहले बार नहीं आए दूसरी बार नहीं आए तीसरी बार नहीं आए चौथी बार नहीं आए पांचवी बार नहीं आए और छठी बार जब उसका नंबर आए तो आ जाए, हाँ या ना। इसी तरह एंड सोन इनफाइनाइट टर्म्स हमारे पास चलती रहेंगी। अब पहली बार नहीं आए उस बात की प्रोबेबिलिटी 5/6, दूसरी बार आ जाए 1/6, हाँ या ना। पहली बार नहीं आए दूसरी बार नहीं आए तीसरी बार नहीं आए मतलब 5/6 का होल क्यूब इंटू 1/6। इसी तरह 5/6 की पावर 5 इंटू 1/6, हाँ या ना, यस, अप टू इन्फिनिटिव। तो ये हमारे पास क्या बना? एक इन्फाइनाइट जीपी। क्या बना? इन्फाइनाइट जीपी। इस इन्फाइनाइट जीपी की फर्स्ट टर्म कितनी है? 5/36, और कॉमन रेशो कितना है? आर कितना है? 5/6 का स्क्वायर मतलब 25/36, 25/36। सो 36 - 25 11, तो आंसर विल बी 5/11। सही। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कितना? 5/11। गॉट इट? ठीक है। चलिए तो इसका सॉल्यूशन नोट कर लीजिए। अब मैं आता हूं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है? अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक, द कार्ड इज रिप्लेस्ड एंड शफल्ड। मतलब ताश की गड्डी से हमने एक कार्ड निकाला, देखा, वापस रख दिया, ताश को वापस भेज दिया। सही बात। इफ दिस इज डन फोर टाइम्स, इस चीज को हमने चार बार किया है, इफ दिस इज डन फोर टाइम्स, देन प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन्स आर 2 हर्ट्स, मतलब 2 हर्ट्स के कार्ड हैं, मतलब 2 लाल पान हैं, 1 स्पेड एंड 1 क्लब, एक हुक में और एक चिड़ी है। ठीक। अब देखो यहां पे जब मैंने एक कार्ड निकाला उसको देख के वापस रख दिया, अब जब अगला कार्ड निकाला तो पहला कार्ड निकालना और दूसरा कार्ड निकालना दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट इवेंट हैं। कैसे हैं? इंडिपेंडेंट, कि भाई दीज 2 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट। अब ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो मतलब प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होगी। तो हर्ट पहली बार आ जाए दूसरी बार हर्ट आ जाए या स्पेड आ जाए या क्लब आ जाए, HHSC। सही बात। अब हर्ट आए इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। हर्ट, सॉरी 1/2 नहीं, 1/4। हर्ट आ जाए 1/4, दोबारा हर्ट आ जाए 1/4, स्पेड आए 1/4, क्लब आए 1/4, क्योंकि सारे इवेंट कैसे थे? इंडिपेंडेंट इवेंट थे। सारे कैसे थे? इंडिपेंडेंट। अब देखो यहां पे हर्ट हर्ट स्पेड क्लब, ऐसा भी तो हो सकता था स्पेड हर्ट क्लब हर्ट, है ना, तब
तब भी दो ही हर्ट हैं, एक स्पेड है एक क्लब है। तो इस तरह से कितने हमारे पास बन सकते हैं, इस तरह से हमारे पास बन सकते हैं 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये एक्सप्रेशन कितनी बार आएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल बार आएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल बार ये आएगा। तो आंसर हमारे पास कितना होगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 24 अपॉन 2, दैट विल बी 12, 12 अपॉन 4 की पावर 4, 4 काटेंगे 3 अपॉन 4 का क्यूब। तो आंसर ऑफ दिस विल बी 3 अपॉन 4 का क्यूब। सही बात, लड्डू था, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन हमारे पास लड्डू है, ठीक। चलिए सेकंड के बाद थर्ड की बात करते हैं, थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपने पढ़ लिया कि थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, ए बी सी 3 पर्सन हैं और वो 1 by 1 इन ऑर्डर थ्रो अ फेयर डाइस, 3 पर्सन्स ए बी सी इन ऑर्डर थ्रो अ फेयर डाइस अंटिल एन ऑड प्राइम नंबर कम, ऑड प्राइम नंबर मतलब 3 या 5 आ जाए, तो व्हाट आर रेस्पेक्टिव चांस ऑफ विनिंग, मतलब ए के जीतने के चांस कितने हैं, कि भाई ए ही ऑड प्राइम नंबर लाए इस बात के चांस कितने हैं, बी ही के बी का ऑड प्राइम आए इस बात के चांस कितने हैं, या सी का ऑड प्राइम आए इस बात के चांस कितने हैं। अब जैसे पहला नंबर ए का है तो ए कैसे जीत सकता है, मान लो ए पहली बार में ही ऑड प्राइम नंबर ले आए, मान लो ऑड प्राइम नंबर लाने को मैं ई से बोलता हूँ, तो ऑड प्राइम आ जाए इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2 by 6, मतलब 1 by 3, ठीक, नहीं आए इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2 by 3। सही बात। अब यहाँ पे पहली बार में ही ए का ऑड प्राइम नंबर आ जाए, भैया मैं ए के लिए निकाल रहा हूँ कि ए के जीतने के चांस क्या हैं, पहली बार में ही हमारे पास ऑड प्राइम आ जाए, या फिर पहली बार में ए का नहीं आया है तो दूसरी बार जब बी का नंबर आए बी का भी ना आए, तीसरी बार जब सी का तीसरे टॉस में सी का नंबर आए तो सी का भी ना आए, और फिर जब वापस ए घूम के आए तो अब ए कर दे वापस, वापस ए का ऑड प्राइम आ जाए, ए कैसे कैसे जीत सकता है, मैं ये बात देख रहा हूँ। या फिर ऐसा हो सकता है ए का नहीं आए बी का नहीं आए सी का नहीं आए ए का नहीं आया बी का नहीं आया सी का नहीं आया, वापस जब ए का नंबर आया तो आ गया। तो ये प्रोसेस तो इन्फिनिटी प्रोसेस है, इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा, हो सकता है किसी का ही ना आए, उछाले जा रहे हैं तीनों बार 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 बार, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, ठीक। अब यहाँ पे ए का आए पहली बार में इस बात की चांसेस कितने हैं, 1 by 3, नहीं आए 2 by 3, नहीं आए 2 by 3, नहीं आया 2 by 3, आ गया 1 by 3, यस। इसी तरह नहीं आए 2 by 3, 2 by 3, 2 by 3 की पावर 6 और आ गया 1 by 3, तो ये हमारे पास क्या बनी, इनफाइनाइट जीपी। इस इनफाइनाइट जीपी की फर्स्ट टर्म कितनी है, ए है 1 by 3, आर है 8 upon 27, आर कितना है 8 upon 27, तो 27 minus 8 ये हो जाएगा 27, 9 upon 19, आंसर कितना आ गया 9 upon 19। सही बात। अब जैसे मैंने ए का निकाला क्या वैसे हम बी के बारे में सोच सकते हैं, अब बी का अगर हमें सोचना है तो बी का हम कैसे सोचें भाई बच्चों, कि बी का ए का नहीं आए बी का आ जाए पहली बार में, पहली बार ए का आ गया तो गेम तो वहीं रुक जाएगा, तो ए का नहीं आए बी का आ जाए, या फिर ए का नहीं आया बी का नहीं आया सी का नहीं आया ए का नहीं आया बी का अब आ जाए, हाँ या ना। तो ए का नहीं आए 2 by 3 into 1 by 3, 2 by 3, 2 by 3, 2 by 3 कितनी बार आएगा, 4 बार into 1 by 3, वापस ये इनफाइनाइट जीपी बनेगी, यस। तो इस इनफाइनाइट जीपी की फर्स्ट टर्म कितनी है, 2 by 9, 2 by 3 into 1 by 3 कितनी है, 2 by 9, कॉमन रेशो कितना है 1 minus 8 upon 27, तो ये कितना आ गया 6 upon 19, कितना आ गया 6 upon 19। तो अब ए के जीतने के चांस 9 upon 19, बी के जीतने के चांस 6 upon 19, तो सी के जीतने के चांस कितने, भाई कोई ना कोई तो जीतेगा ही ना, तो इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 1, इन तीनों का सम 1 होना चाहिए, तो उसके जीतने के चांस कितने जाएंगे, 4 upon 19, तो आंसर ऑफ दिस विल बी 4 upon 19, यस और नो, बात समझ में आई है हमारे पास कि क्या है ये, ठीक। चलिए थर्ड क्वेश्चन के बाद हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, आप सब ये नोट कर लीजिए,
एग्जाम्पल नंबर फोर की बात करता हूँ कि एग्जाम्पल नंबर फोर में हमें क्या दे रखा है। अब देखो यार, एग्जाम्पल नंबर फोर में हमें क्या दे रखा है, व्हाट इज दिस इन एग्जाम्पल नंबर फोर, इफ फोर होल नंबर्स आर टेकन एट रैंडम एंड मल्टीप्लाइड टुगेदर, भाई चार नंबर होल नंबर हैं, उन्हें हमने रैंडम लिया और उनको आपस में मल्टीप्लाई किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी लास्ट डिजिट इज, फर्स्ट पार्ट है या तो वन या थ्री या सेवन या नाइन हो या फाइव हो, सही। अब पहले पहले पार्ट की बात करते हैं कि लास्ट डिजिट या तो वन थ्री सेवन या नाइन में हो। अब लास्ट डिजिट वन थ्री या सेवन नाइन है, देखो लास्ट डिजिट जो डिपेंड करेगी, जो हमने सिलेक्टेड होल नंबर लिया है उसकी लास्ट डिजिट पे करेगी। अब उसकी लास्ट डिजिट क्या हो सकती है, जीरो वन टू थ्री अप टू नाइन कुछ भी हो सकती है, ठीक। अब अगर इन चारों नंबर में कोई भी एक इवन नंबर आ गया, सही, तो मल्टीप्लीकेशन के लास्ट में क्या वन थ्री सेवन नाइन आ सकता है, नहीं आ सकता। इवन नंबर आ गया तो इवन नंबर से मल्टीप्लाई करने पे सारा एक्सप्रेशन इवन हो जाएगा, तो वन थ्री सेवन नाइन हमें कहीं पिक्चर में नहीं मिलने वाला। क्या इन चार नंबर में फाइव आ सकता है, मान लो चलो इवन तो नहीं आ सकता, मतलब जिनकी डिजिट लास्ट में जीरो टू फोर सिक्स एट वो नहीं आ सकते, वो आने के वन थ्री सेवन नाइन आने के लिए वो नहीं आ सकते, ठीक, तो उनको हमने रूल आउट कर दिया। क्या लास्ट डिजिट में फाइव आ सकता है, आप सपोज करो फाइव से मल्टीप्लाई करा, फाइव एक बार भी आ गया, फाइव का मल्टीपल हो गया, फाइव का मल्टीपल हो गया तो लास्ट डिजिट हमेशा क्या आएगी, फाइव आएगी, अगर कोई इवन नहीं है तो, यस और नो, हाँ या ना। अब लास्ट में फाइव आएगी, अगर फाइव आ गया तो फाइव भी नहीं आना चाहिए। इसका मतलब वन थ्री सेवन या नाइन आने के लिए हमारे पास ऐसे ही होल नंबर होने चाहिए जिनके लास्ट में वन हो या थ्री हो या सेवन हो या नाइन हो, सही बात। तो फेवरेबल कितने हो गए, फोर एक तरीके से, और टोटल कितने हो गए, टेन, जीरो से लेकर नाइन तक, सही बात। फेवरेबल कितने हो गए, फोर, और टोटल कितने हो गए, टेन। तो पहला नंबर हमारे पास सिलेक्ट किया, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, फोर बाई टेन, पहला नंबर, सही। तो पहला नंबर ऐसा लिया, दूसरा नंबर भी ऐसे ही लेना है, फोर बाई टेन, तीसरा भी ऐसे लेना है और फोर्थ भी ऐसे लेना है, तो 4 बाई टेन, 4 बाई टेन, 4 बाई टेन, तो ये हो गया 2 अपॉन 5 की पावर 4, मतलब 16 अपॉन 625, भाई 5 5 5 5 5 की पावर 4 विल बी 625, तो ये प्रोबेबिलिटी है कि 1 3 7 या 9 आए, ठीक बात। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट की बात करता हूँ, ये तो है फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। अब देखो 5 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 या 9 आए, मतलब ऑड आए, मतलब इवन को तो अब भी शामिल नहीं करना है, 0 2 4 6 8 उनको तो अभी भी शामिल नहीं करना है, शामिल किनको करना है, ऑड वालों को। तो ऑड लेने के लिए 1 बाई टू, 1 बाई टू, 1 बाई टू, 1 बाई टू, चारों ऑड लिए, मतलब चारों ऐसे नंबर लिए जिनकी लास्ट डिजिट कैसी है, ऑड, तो ये हो गया 1 बाई टू की पावर 4, क्या हो गया ये 1 बाई टू की पावर 4, भाई 5 बाई टेन, 5 बाई टेन, 5 बाई टेन, तो 5 बाई टेन मतलब 1 बाई टू की पावर 4, ठीक। लेकिन इसमें वो भी केस आ रहे होंगे जब 1 होगा, 3 होगा या 7 होगा या 9 होगा, ये सिर्फ 5 वाला नहीं है, ये 1 3 7, 1 3 5 7 9 वाला है। तो अगर इसमें से 1 3 7 9 वाले हटा दें तो काम बन गया, तो माइनस 16 अपॉन 625, दिस माइनस दिस, जो भी आंसर आएगा देख लेना, ये हमारे पास इसका आंसर है, यस yes? तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन हैं जो किसके ऊपर हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर हैं, ठीक। थैंक यू वेरी मच।